environment means the surrounding and conditions in which animals and plants live environment उस surrounding के उस condition को कहते हैं जिसके अंदर animals और plant जो है वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं वहाँ रहते हैं it is made up of the air land and water और ये किससे मिल के बनता है environment air से हवा से land ज़मीन से और water पानी से air and water are necessary for life एयर और वाटर जो है वो लाइफ के लिए ज़रूरी है लिविंग थिंग्स कैन नॉट लाइव विदाउट डैम लिविंग थिंग्स इसके बगैर नहीं रह सकते एयर कंटेन बैलेंस अमाउंट ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर एयर के अंदर यानी कि गैसेस जो है वो बैलेंस अमाउंट में पाई जाती हैं और वाटर वेपर भी पाए जाते हैं इफ़ दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब इट कैन बी हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए यानी कि इसकी क्वान्टिटी में जो है वो इंक्रीज हो जाए अगर इसकी क्वांटिटी तो ये एनिमल्स के लिए और प्लांट्स लाइफ के लिए क्या होती है नुकसानदेह होती है इन सम इन द सम वे इम्प्योरिटीज़ इन वाटर इम्प्योरिटीज़ इन वाटर इन डेंजर द हेल्थ ऑफ लिविंग थिंग्स यानी कि अगर इन गैसेस का जो अमाउंट है वो एयर में डिस्टर्ब हो जाए तो ये डेंजर होती है ह्यूमन हेल्थ के लिए भी और प्लांट्स लाइफ के लिए भी सो आपको पता चल गया स्टूडेंट्स के इन्वामेंट किसे कहते हैं यानी कि हमारे इर्द जो भी सराउंडिंग में जो कंडीशन और जो पाई जाती है उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं इसी तरीके से ये एयर लैंड और वाटर से मिलकर बनती है एयर वाटर जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़मीन पर हम रहते हैं और एयर का अगर अमाउंट जो है वो इन्वायरमेंट में डिस्टर्ब हो जाए तो वो इंसान के लिए और ह्यूमन लाइफ के लिए क्या होता है नुकसानदेह होता है ह्यूमन लाइफ के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी नेक्स्ट इज़ पॉल्यूशन व्हाट इज़ पॉल्यूशन पॉल्यूशन इज़ द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द एयर वाटर और सॉइल यानी कि कोई भी नुकसानदेह चीज़ अगर एयर में हो वाटर के अंदर हो और सॉइल के अंदर हो तो वो क्या कहलाती है स्टूडेंट पॉल्यूशन कहलाती है वो पॉल्यूशन कॉज करती है इस तरीके से अभी हमने पढ़ा कि वाटर अगर एयर का जो बैलें अमाउंट है वो एयर के अंदर जो है डिस्टर्ब हो जाए यानी कि एयर का अमाउंट जो है इन्वायरमेंट में डिस्टर्ब हो जाए तो आपके पास वो क्या कॉस करता है पॉल्यूशन ठीक है उसको हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं दिस कैन भी स्मोक फ्राम फॉरेस्ट फायरस और एश फ्राम कैनिकपशन हाउ आर मोस्ट पॉल्यूशन इज कॉज बायमन एक्टिविटीज यानी कि, एक कि सब कुछ टाइप की जो पॉल्यूशन है वो नेचुरली भी होती है मतलब कुदरती तौर पर पॉल्यूशन होती है मगर कुछ पॉल्यूशन ऐसी होती है जैसे स्मोक हो गया जंगलात को दिलाने की वजह से जिसमें वेपर्स धुआं वगैरह निकलते हैं उसकी वजह से पॉल्यूशन कॉज होता है ठीक है और उसके अलावा आतिश फिशा फटने की वजह से भी पॉल्यूशन कॉज होता है और बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज हमारी खुद की अपनी होती है जिनकी वजह से भी पॉल्यूशन जो है वो फैलती है स्टूडेंट्स ये आपको एक फॉरेस्ट जो है वो दिख रहा है यहाँ पर ये जंगलात को जलाया गया है तो ये भी क्या कॉज कर रहे हैं पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं ये एक आतिश फिशान जो है, के वाल, वाल के जो है वो फटने की वजह से यहाँ पर देख आप देखे ना वेपर्स कितने तरीके से निकल रहे हैं तो ये भी पॉल्यूशन कॉज करता है सबस्टेंस डेट कॉज पॉल्यूशन आर नॉन एज पॉल्यूटेंट्स वो सबस्टेंस जिसकी वजह से पॉल्यूशन फैलती है पॉल्यूशन कॉज होती है वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स आपके पास पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं दिस कैन बी पॉइजनस गैसेज स्मोक केमिकल्स और अदर इम्प्योरिटीज़ यानी कि ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये आपके पास पॉइजनस गैसेज भी हो सकती हैं इसके अंदर स्मोक धुआं भी हो सकता है और बहुत सारे केमिकल्स भी हो सकते हैं और अदर इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं काइंडस ऑफ पोल्यूशन कितने टाइप्स की पोल्यूशन होती है स्टूडेंट्स देर आर डिफरेंट काइंडस ऑफ पोल्यूशन दिस यूनिट डिस्क्राइब एयर लैंड एंड वाटर पोल्यूशन मगर इस यूनिट पर हम सिर्फ एयर लैंड और वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ वन इज़ एयर पोल्यूशन व्हाट इज़ एयर पोलूशन यानी कि एयर के अंदर अगर पोल्यूशन कॉज होगी तो वो सिंपल एयर पोल्यूशन होगी एयर पोल्यूशन अकर्स वन सब्सटेंसिस हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म और टू देयर इन्वायरमेंट आर प्रेजेंट इन द एयर यानी कि एयर पोल्यूशन क्या होता है कि अगर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो एयर में यानी कि एयर के अंदर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस होगा जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए जो है वो तो इंसानी जिंदगी पे खतरनाक हो सकता है ठीक है तो वो बहुत सारी बीमारियां एयर पोल्यूशन कहलाती है, है। पेज 37, पेज 37 पे आपको कुछ पिक्चर्स नजर आएंगी एयर पोल्यूशन की लाइक like दिस जैसे ये आपको नजर आ रही है स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज से जो है स्मोक निकल रहा है और कि गाड़ियों के जरिए जो धुआं निकल रहा होता है उसकी भी आपको पिक्चर्स दिखाई है तो स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर जैसे कि आपको पता है स्मोक फैक्ट्रीज से और व्हीकल्स जो है पॉल्यूट करती है एयर को सम ह्यूमन एक्टिविटीज रिलीज सर्टेन गैसेज एंड पार्टिकल सचेस कार्बन मोनोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड केमिकल वेपर इंटू द एयर कुछ एक्टिविटीज जो है उनकी वजह से भी जो है वो सर्टेन गैसेस रिलीज होती हैं और पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया सल्फर डाइऑक्साइड एंड केमिकल वेपर ये एयर के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होती है दिस ऑल्सो कॉज स्मॉग एंड एसिड रेन यानी कि इसकी वजह से जो है स्मॉग भी कॉज होती है यानी कि धुंध हो जाती है और एसिड रेन भी रहती है वेन लिविंग थिंग्स आर एक्सपोज टू दिस गैसेज अगर ये गैसेज जो है वो लिविंग थिंग्स के ऊपर पड़ जाएँ तो इट इज़ बैड फॉर दियर हेल्थ तो इनकी जो इनकी हेल्थ है वो जो है वो उसका बहुत गहरा असर होता है उस पर बट हाउ डू आई ह्यूमेंस क्रिएट दिस हार्मफुल सब्सटेंसेज मगर ह्यूम जो है उस हार्मफुल सब्सटेंस को कैसे क्रिएट करते हैं लेटस परफॉर्म द वॉलिंग एक्टिविटी टू फाइंड तो हम एक एक्टिविटी के जरिए जो है ये प्रूव करते हैं एक्टिविटी में आपको मटेरियल जो है वो क्या चाहिए स्टूडेंट्स एक कैंडल अ कैंडल अ मैच बॉक्स अ सॉसर टू सिक्योर द कैंडल एक सॉसर चाहिए यानी कि एक प्लेट चाहिए जिस पर आप कैंडल को जो है वो रख सकें एंड एलुमिनियम फॉइल और ए स्टील प्लेट और आपको कोई एलमोनियम फॉइल चाहिए या फिर कोई स्टील प्लेट चाहिए मेथड क्या है सिक्योर द कैंडल ऑन द सॉसर आप क्या करें कैंडल को सॉसर के ऊपर सिक्योर कर दे रख दें लाइट द कैंडल एंड एब्जॉर्व द एयर अबव द फ्लेम आप क्या करें यानी कि जब आप क्या करेंगे जैसे हमने भी पढ़ा नाव होल्ड अल्मोनियम फॉइल और स्टील प्लेट ओवर द फ्लेम फॉर अ यानी कि आप क्या करें पहले आपने एक कैंडल ली सॉसर के ऊपर रख दी उसके बाद आपने क्या किया वो कैंडल जो है और मतलब जलाई तो आपने जो है उसके अराउंड एयर जो है वो ऑब्जर्व होना आपको शुरू हो नजर आना शुरू हो गई एयर जो है नाव होल्ड द अल्मोनियम फॉइल और स्टील प्लेट ओवर द फ्लेम फॉर अ आपने क्या किया एक अल्मोनियम फॉइली ली और स्टील प्लेट फ्लेम यानी कि कैंडल के अराउंड जो, जो भी फ्लेम है वो क्लियर नजर आ रही होगी आपके जो उसके अराउंड एयर है फ्लेम के अराउंड वो आपको क्लियर नजर आ रही होगी वेन यू होल्ड द प्लेट और अल्मोनियम फॉइल ओवर द कैंडल जब आप उसी को क्या करेंगे एलमुनियम फॉइल को या इसको प्लेट को कैंडल के ऊपर जो है वो कवर कर देंगे उसको होल्ड कर देंगे तो सम ब्लैक पार्टिकल्स गैदर ऑन इट्स सरफेस जो आपको क्या करेंगे आपको ब्लैक पार्टिकल्स जो है वो उसके गैदर जो है वो अराउंड होना नजर आ जाएंगे दिस इज सूट उसे हम क्या कहते हैं सूट इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द स्मोक ऑफ कैंडल एंड ऑयल तो ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं आपने कोई चीज जो है आप किसी चीज पे जलाएं तो ब्लैक कलर के जो है, वो स्मोक से नज़र आते है आपको तो वो क्या कहलाते हैं पॉल्यूशन कॉलोजी होती है वो क्या कहलाते हैं आपके पास सूट कहलाते हैं ठीक है थीके? तो इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द स्मोक ऑफ कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प तो ये आपके पास स्मोक है और ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है कैंडल्स के जलाने की वजह से बर्निंग कॉल वुड ऑयल एंड अदर फ्यूल्स ऑल्सो प्रोड्यूस सूट बिल्कुल इसी तरीके से जब हम कॉल को यानी कि कोयले को जलाते हैं लकड़ी को जलाते हैं और अदर फ्यूल्स यानी कि और बहुत सारे फ्यूल्स वगैरह को ऑयल्स वगैरह को जलाते हैं तो उनको जलाने की वजह से भी वो सूट प्रोड्यूस करते हैं स्मोक प्रोड्यूस करते हैं जो करते कि पॉल्यूशन कॉज करता है आगे इट इज़ अ पॉल्यूटेंस एंड कैन काजेज़ हेल्थ प्रॉब्लम सच एज लंग डिसीज़ ये क्योंकि पॉल्यूटेंट्स है क्योंकि पॉल्यूशन कॉज कर रहा है तो यह सी बात है पॉल्यूटेंट्स होगा और ये ह्यूमन हेल्थ के भी लिए भी प्रॉब्लम जो है बहुत सारी क्रिएट करता है और इस तरीके से ये लंग डिसीज़ भी कॉस करता है हाउ फोर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर आई विल कंटिन्यू माई लेक्चर इन माइनर वीडियो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़